नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है, जहां पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। वहीं आज की कार्यवाही के दौरान एक बार फिर से विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। इसके साथ ही सदन में मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट भी पेश की गई। प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट को 43 साल बाद सार्वजनिक किया है। और वही ज्ञानवापी में वैज्ञानिक सर्वे लगातार जारी है। एसआई सर्वे का आज ये पांचवा दिन था, जहां पर एसआई की टीम ने गुंबद और व्यास तहखाने में सर्वे के साथ ही गुंबद की नक्काशी की कार्बन कॉपी की तैयारी करने में जुट गई हैं। और इसी दौरान व्यास तहखाने में मिली कलाकृतियां, गुंबदों की सीढ़ियों के पास बने कलशनुमा कलाकृतियों की स्कैनिंग की गई है। आपको बता दें कि एसआई ने 4 यूनिट में एसआई की टीम को बांटा गया है। इसमें 3 यूनिट के 30 सदस्य 3 गुंबदों की 3D इमेजिन और मैपिंग कर रहे हैं। दो सितंबर तक एएसआई को अपनी जो सर्वे की रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट भी करनी है। और वही एक और ज्ञानव्यापी में वैज्ञानिक सर्वे जारी है, तो दूसरी तरफ ज्ञानव्यापी का एक वीडियो भी सामने आया जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक युवक बांस की सीढ़ियों की जो सहारे से वो ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुंबद के ऊपर वो चढ़ रहा है, आप देखिए। जब उससे कुछ लोगों को उसको भनक लगी कि कुछ लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, तब वो सीढ़ियों से नीचे भी उतर रहा है। और वहीं अब इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि साक्ष्य नष्ट करने की ये कोशिश की जा रही है। और वहीं मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। घोसी सीट पर 5 सितंबर को वोटिंग होनी है और 8 सितंबर को रिजल्ट आएगा। इसके साथ ही घोसी सीट पर आचार संहिता भी लागू हो गई है। 17 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया यह होगी और 21 अगस्त तक नाम वापस लिया जा सकता है। चुनाव का ऐलान होते ही घोसी में पुलिस अलर्ट पर आ गई है। दरअसल सपा से विधायक रहे दारा सिंह चौहान के पार्टी और पद से इस्तीफा देने के कारण घोसी सीट ये खाली हुई है और दारा सिंह चौहान अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और हर साल की तरह इस साल भी उन्नाव में हिंदू जागरण मंच की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस क्रम में तिरंगा यात्रा की तैयारियों के लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने किया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर विमल द्विवेदी और अनिता द्विवेदी ने जिलाधिकारी को प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया है। हमारा भारत बने, इस संकल्प के साथ हम सब गत वर्षों की बात 14 अगस्त को नरसेवा नारायण सेवा व हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में रामलीला मैदान से लेकर आवास विकास वृंदावन गार्डन तक एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें 151 मीटर तिरंगे के साथ सैकड़ों भव्य झांकियाँ आर्मी बैंड के साथ ये यात्रा निकाली जाती है। आज उसी के उसको लेकर आज सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन आदरणीय जिलाधिकारी महोदया द्वारा किया गया है। हम सब आम जनमानस से आग्रह करते हैं कि वो 7.5 लाख जो इस देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदानों की आहुति दी है, बलिदानियों को हम सब कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें और अधिक से अधिक संख्या में तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हों। इस देश के साथ हम सब आप सबके माध्यम से उन लोगों का आह्वान करते हैं। और वही एक और 24 घंटे में जन समस्याओं का समाधान पर काम किया जा रहा है, तो दूसरी ओर गाजीपुर की एक महिला दबंगों से परेशान होकर करीब 6 महीने से अधिकारियों और दफ्तरों के चक्कर काट रही है। जनता दर्शन में जिलाधिकारी से गुहार और थाना दिवस पर फरियाद के बावजूद दबंगों से पीड़ित महिला को इंसाफ नहीं मिल रहा है और यहां तक कि सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित महिला का कहना है कि कुछ दबंगों ने उसके घर का नाला बंद कर दिया, जिससे कि दरवाजे तक पानी पहुंच रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रधान कुछ इस पे कार्य ही नहीं कर रहे हैं। 6 महीने से हम लोग पूरी प्रशासन सब कुछ को दरखास्त दे चुके हैं, पर वो लोग गाजीपुर डीएम के यहाँ दे चुके हैं, फिर एसपी के यहाँ दे चुके हैं, सादियाबाद थाने पे दिए हैं। फिर क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया है? पहले तो एसओ साहब बोले कि नहीं इधर से हो जाएगा, फिर अब बोल रहे हैं कि इधर से नहीं होगा। अब हम लोग का पूर्वजों का छोड़ा हुआ गली है, तो यहाँ पर मुसलमान है लोग की पाबंदी लगा रहे हैं कि नहीं नहीं जाने देंगे इधर से पानी, तो हमारा पानी कहाँ जाएगा? 6 महीने से बांधा गया है, प्रधान इस पर कुछ कार्य ही नहीं कर रहे। हम लोग प्रधान के यहाँ रात दिन जा रहे हैं।